बेहैरत है ताबे गोयाई, सब में मौजूद और सबसे जुदा, कौन समझे ये राज़े तन्हाई। पारा पारा कबाए इस्तदलाल, रेजा रेजा है दामे जुयाई। क्या नजर आए माँ सिवा का जहां, देख कर तेरी शाने यकताई। ख्वातीनो हजरात, आपको आज की इस महफिल मौसीकी में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे पास इस वक्त सिंध से आए हुए दो वर्सेटाइल मौसीकार मौजूद हैं, जो मजहर हुसैन और डॉक्टर जुल्फिकार अली के नाम से मौजूद हैं। उन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दोनों भाइयों ने मौसीकी की तमाम अस्टाफ जैसे कि वाइन, गजल, हम्द, मनकबत, नाच वगैरह में बहुत खूबसूरत तरीके से हमेशा जो है मौसीकी को उजागर किया है और उसे आगे बढ़ाया है। हमारे पास डॉक्टर जुल्फिकार यहाँ पर हैं, जिन्होंने PhD किया है मौसीकी में, और उनका थीसिस जो है उसका उनवान है वाई ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड रोल ऑफ मास मीडिया। ये उनकी उनवान है PhD थीसिस का, और हुकूमत पाकिस्तान ने इन में से इन दोनों भाइयों को 2019 एंड 2020 के लिए मुंतखब किया है बराए सदारती तमगे हुस्न कारकर्दगी के लिए। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। ये इंशाल्लाह 23 मार्च 2020 में इंशाल्लाह उसका बाकायदा एहतमाम होगा। आज की ये महफिल मौसीकी फरीदा दाऊद रिकॉर्डियो साहिबा की खुसूसी मेहरबानियों के पेश नजर मुनाकिद की गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है इस महफिल मौसीकी में जब तक इन दोनों में दम है और ये गाते रहेंगे, आप महसूस होते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। प्लीज एंजॉय। गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आप सबके, खास तौर पर फरीदा दाऊद साहब, जिन्होंने बाहर से आज यहाँ हमें वीराई दी, और हमारा पूरा जो साथ था, पूरा जो हमारे दोस्तों का ग्रुप है, जिनमें उनकी जाफी साथ साथ शामिल है, और हमारे बहुत सारे दोस्त और हमारे ग्रुप में भी शामिल हैं हमारे दोस्त यहाँ माए नाज अपने काम के माहिर नजर हुसैन साहब, जो म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर के प्राइज अंजाम दे रहे हैं, हमारे सारे किस्म को म्यूजिकलाइज उन्होंने किया है। उनके साथ बैठे हैं शफर जी, शफर अली जी, कीबोर्ड पे बहुत अच्छा नाम है, नौजवान है, बहुत मेहनत की है, और ढोलक पर
करते हैं, उनके साथ मोहम्मद सलीम हैं जो आपको साथ अल्लाह ताला के बाबत के नाम से शुरू करेंगे, फिर एक नात है, फिर कसीदा है, गजल है, गीत है, काफी है, कलाम है, और सबसे आखिर में हम
नाट्य कला
मैं फकीर है जस्ट।
अब जो आइटम आपके सामने पेश कर रहे हैं हम, ये शायरी है हजरत बाबा भुले शाह साहब की, सराइकी और पंजाबी मिक्स है। इसका मौजू है मिट्टी। हमने ऐसा किया है कि इसमें कुछ और हमारे सूफी शौरा के अशार भी शामिल किए हैं, जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, भगत कबीर साहब और दीगर शायर। लेकिन इसकी हसीन बात यह है कि सबका मौजू जो है, सब ने इसी मौजू पर लिखा है और हमने सबको मिलाकर किया है काम। ये सिंधी भैरवी में है, बोल है इसके, वाह वाह मिट्टी हुक्म करे दी हज़ार। फकीर का फरमान है कि ज़िंदगी में जो रंग है वो सब मिट्टी है, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ मिट्टी है। मैं भी मिट्टी, तुम भी मिट्टी, खाना भी मिट्टी, पीना भी मिट्टी, मरना भी मिट्टी, जीना भी मिट्टी, जो मर रहा है वो भी मिट्टी है और वो मिट्टी में ही जा रहा है। ये नहायत मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाबा फरीद इसी जमीन में वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, पंजाबी का मिट्टी खुली खबर खबर, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी 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 मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, चार दिलां दा मेला दुनिया, चार दिलां दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई उन्हें कर थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू, ना कर थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल न कर तू, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, किसी की जात ऊंची नहीं, और फरमान भी यही है, सारी जो फौकियत है वो तकवे पर है। गुल मिट्टी दा हवा
हवा मिट्टी Thank you.
सीपों की फेर न बाहू तस्वीरों की फेर न बाहू तस्वीरों की फेर न बाहू इस तस्वीर का क्या पढ़ना तस्वीर तस्वीर क्या पढ़ना जेड़ा अपने नाल जेड़ा अपने नाल हिसाब करे उदे नाल हिसाब क्या करना कखते कान इश्क सड़े दजेरा बाहे विसामे नाल पानी ते दसो इश्क दा दारू रहना दारों कहना यार मेरे दोस्त मेरे उठ जान रखी जिथे इश्क नए दाडेरा यार दधी मेरे ख्याल में इतनी सर्दी नहीं हो रही जो आप लोग थक गए हैं हमारा साथ दीजिए हम आपसे बहुत ज्यादा बूढ़े लोग गा रहे हैं आप तो माशाल्लाह जवान हैं गॉड ब्लेस यू ऑल
हमारा साथ दीजिए क्लैप करके यार दाढ़ी
मैं सचल का हाल तो पता है और मैं फकीर हूँ, मैं सवाली हूँ, मैं सवाल करता हूँ और मुझ सवाली को तुम खाली ना लौटाओ। हाल सचल का मालूम देखो हो सायल को हेलो तेनू कोल बिठा
सारा जिस्म मेरा एक अखल हो जाए, मोहताज न मैं इस अखल। ये जो लिखने वाले हैं, लिखारी उनके लिए है। सोने दी इट माया ए जुल्म न लिख माया, मैनू तेरे जे हसोना हो I don't know.
का तुर लावे देने का तुर लावे देने का तुर लावे फिर दसदा ना सच्ची गाल इश्क दी क्या सब बंध अजाया ये आइटम कर ले ला दे ला दे नहीं ठीक है ले
गम है या खुशी है
मर गया। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा। मगर
बिना हिसाब क्या करना, कहीं तन पर लिबास है माशूम, कहीं तन पर लिबास माशूक, पर सरे नाज और अदा पत्थरों आज मेरे
आपकी इजाजत हो तो आखिरी आइटम करें या जैसे हुक्म हो या चलाएं, क्योंकि रजाइयां पड़ी हुई हैं, मैं तो देख रहा हूं। अब दूसरे दोस्तों को पता नहीं इस बात का। ये पहली महफिल है हमारी जिंदगी की जिसमें ये एहतमाम है। गॉड ब्लेस यू। नया आइटम है और ये ख़ास फरमाइश आपकी है। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। इसमें हमारा साथ हमारे छोटे से प्यारे से तहूर हुसैन भी देंगे और बहुत खूबसूरत आइटम है, कवाली है, आजकल बहुत पसंद की जा रही है। दिल गलती कर बैठा तू कौन सफा।
हम हारे और तुम जीते।
हम साथ यारा ना हो और कफारा आखिरी आइटम कर रहे हैं और इसके बोल हैं लाल मेरी पत रखियो भला आप अगर रिसीव रखे तो बड़ी मेहरबानी हेलो अली जहा कोई पीर नहीं असा मारी दीद दहर ते अली 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 जहा कोई पीर नहीं असा मारी दीद दहर ते अली दे सिर ते है जग विच आखिर मर वजना ना कर एतबार वो मिलते अली दे दर दे अली
इसी में ऐड करते हैं।
आपके लिए खास तौर पर और से सुनिए get together don't be lonely get together just like we are get together don't be lonely life is a game of few days only na sahi kar get together don't be lonely life is a game of This is the song of wonder. Come on, come on. सदा सलामत रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, खुदा आप सबको सलामत रखे। आप खास खास मोहब्बतें इनायतें हमेशा याद रहेंगी। अच्छा, मैं एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ। हम सिंध के लोग हैं, आप सबसे प्यार करते हैं और आप हमसे प्यार करते हैं। हमारे यहाँ की एक छोटी सी रिवायत है, बहुत मोहब्बत भरी, बड़ी प्यारी, वो आपके नज़र करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूंगा अदीब फायज़ा ज़हरा मिर्ज़ा साहिबा से कि हमारी नहायत एहतराम वाली नहायत अदब से मैं गुजारिश करूंगा फरीदा दाऊद साहिबा को कि आप आएँ, आपको हम हमारी सिंध की सकाफत का एक हिस्सा अजरक वो आपको दें पेश करते हैं आप। और इसके साथ साथ मैं अपनी थीसिस की एक कॉपी मैडम फायज़ा ज़हरा की नज़र भी करूँगा और आपकी नज़र भी करूँगा। Okay.